ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंगस की बेसिकली जो है वो चार क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, पैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशल पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फाइकोमाइसिटिस से। Members of the phycomycetes are found in the aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as the obligate parasites on the plants. जो phycomycetes के जो members होते हैं ये basically aquatic habitats पे या फिर decaying wood जो सड़ा होता है लकड़ी उस पर या moist और damp places जो होते हैं या फिर plants में as a parasites पाए जाते हैं। ठीक है, द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसेटिक। जो माइसिलियम होता है एसेप्टेट यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और सीनोसेटिक होते हैं ये। ठीक है, कैविटीज फॉर्म होती है जो कि साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर और बाय द एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें इस जो उसमें स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्स पाए जाते हैं वो होता है जूस्पोर्ट्स से जो कि मोटाइल यानी कि मूवेबल होते हैं और जो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर्स। दीज स्पोर्ट्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरन जीएम। ये स्पोर्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरन जीएम में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि स्पोरेंजियम स्पोर्स या स्पोरेंजियम में ही प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि स्पोरेंजियम स्पोर्स हैं तो ये स्पोरेंजियम में ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ओके। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर्स क्या है? सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं। तो जो जाइगोस्पोर हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, एक जैसे होते हैं। ठीक है, और डिसिमिलर एनी सोगेमियस और ओगेमियस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस। द राइजोपस कौन सी है? ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी कहते हैं एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगस और द मस्टर्ड। ठीक है, तो ये है फाइकोसमाइसिटीज की क्या मेन पॉइंट हमें निकले कि जो फाइकोसमाइसिटीज है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स और डेकेइंग वुड में पाए जाते हैं। जो इनका माइसिलियम होता है वो एसेप्टेड और सीनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर के माध्यम से होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कॉमन एग्जाम्पल्स इसके क्या है फाइकोमाइसिटिस के? म्यूकर है और राइजोपस। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आता है, नेक्स्ट फैमिली आती है एस्कोमाइसिटिस की, कॉमनली नोन एज द सैक फंगस। एस्कोमाइसिटिस को हमने क्या कहा है? सैक फंगस कहा है। क्यों सैक फंगस क्यों कहा है? क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सैक मैंने आपको पहले भी बताया है, झोला होता है ना उसको हम सैक कहते हैं। द एस्कोमाइसिटिस आर यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल ईस्ट। जो एस्कोमाइसिटिस होती हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। दे आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। ठीक है, सेप्रोफिटिक मतलब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए सेप्रोफिटिक हैं, डेड बॉडीज पे ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर्स एज ए डीकम्पोजर्स भी काम करते हैं। पैरासिटिक और कोरोफिलस होते हैं यानी कि ये काउ डंग या जो डंग्स होते हैं उन पर भी ग्रो करते हैं। माइसिलियम के देखते हैं इनका क्या है। माइसिलियम इनका ब्रांच है और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? कोनाइडिया, विच इज़ प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड द कोनाइडो स्पोर्स। जो कोनाइडिया होता है इनके एक स्पेशल माइसिलियम पे ग्रो करता है, उस स्पेशल माइसिलियम को हम क्या कहते हैं? कोनाइडो स्पोर्स। कोनाइडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस द माइसिलियम। जब कोनाइडिया जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाता है? माइसिलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक एस्की। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, एस्फेरिगलस, ठीक है, एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो है उसको हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, द मैनी मेम्बर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड डेलिकेसीज। ठीक है, ये कुछ जो इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं इनको हम खाते भी हैं और इनको एज अ डेलिकेसीज भी यूज़ करते हैं। फाइव, नेक्स्ट फैमिली है बेसिडियोमाइसिटीज की। इनको हम क्या कहते हैं, मशरूम्स। जो मशरूम्स होते हैं उनको, मशरूम्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज होती है। दे आर ब्रैकेट कॉल्ड ब्रैकेट फंजस और पफ बॉल्स ऑल्सो। ये कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉक्स वही लकड़ी के गट्ठर पे, एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग बॉडीज एज द पैरासाइट्स। ठीक है, और ये बीमारी है रस्ट एंड स्मट की, उसमें वीट्स में होती है और राइस में। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नहीं पाए जाते हैं, पर इनकी इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और जीनोटाइप। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ फ्यूजन की एक प्रोसेस होती है, प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होती है, जिनमें आपको मैंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, और सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जो डिफरेंट बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स होते हैं वो जब आपस में आते हैं डिफरेंट स्टेज के, तो दे आप फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म द एंड दे शो द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। अब इसमें क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो कि बेसिडियम बनाते हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसी में कैरियोगैमी और मियोसिस की, जिसकी वजह से चार बेसिडियोस्पोर, फोर हैप्लोइड सेल्स यानी कि फोर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम एंड द बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम्स पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो बेसिडियाज होते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन एग्जांपल्स आर एग्रिकस मशरूम्स, यूस्टिलिगो स्मट एंड द पुसीना रस्ट फंगस। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, अब नेक्स्ट इसके फैमिली ड्यूट्रोमाइसिटीज है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, टिल दैट टाइम आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए। इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी पढ़ी है इनको दोबारा रीड करिए और इनकी नोट्स बना लीजिए, आपको ईजी पड़ेगा। नोट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होना है, नोट्स में आपको जो है इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, आपको ये चार या पांच चीज़ें दिमाग में रखनी है और उन्हीं के बेसिस पे आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न तो आप मुझे ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।